ओम शांति। आज की तारीख है 13/8/2023, 13 अगस्त 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 6/4/1995 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज स्नेह के सागर बाबा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर वन है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटी गाई हुई हैं, शरीर की पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की पर्सनालिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन पर कौन सी पर्सनालिटी है? अब दुनिया में तो बहुत सारी पर्सनालिटी गाई हुई है, पोजीशन की पर्सनालिटी, चेहरे की पर्सनालिटी, शरीर की पर्सनालिटी, तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे पर कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी। जितना जितना जो पवित्र है उतना ही उसकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? बाबा कहते हैं जितना जितना जो पवित्र रहता है उसकी पर्सनालिटी ना तो दिखाई देती है बल्कि अनुभव भी होती है। तो आपको अपने उस रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योत हैं, लेकिन आप बाबा के बच्चे रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सभी आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। भले ही बहुत सभी आत्माएं परम धाम में हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी ज्योति, आप चमकती हुई आत्माओं की ज्योति उन सभी आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। अब बाबा ने कहा आपने परम धाम का देखा, अब अपने अनादिकाल में सतयुग की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। तो अनादिकाल की भी पर्सनालिटी देखी, अब अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। अनादिकाल में बाबा ने कहा सतयुग में स्वयं को देखो, कितना सजा हुआ देवी देवता का स्वरूप है। तो अनादिकाल की पर्सनालिटी देखी, अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी होती है वहाँ। तन की भी तो मन की भी, धन की भी और संबंध की भी। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए, बाबा कहते हैं सतयुग में कितने सुंदर, कितने सजे हुए, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है? 5000 साल हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। अब अनादि स्वरूप में तो परम धाम में चमकती हुई आत्मा के स्वरूप में, विशेष आत्मा के रूप में हो। अनादि काल में भी बाबा कहते हैं कितने सुंदर सजे हुए सुख शांति प्रेम आनंद के स्वरूप में हो। तो आदिकाल की पर्सनालिटी भी आपकी विश्व की अनात्माओं से कितनी अच्छी है, श्रेष्ठ है, स्पष्ट दिखाई देती है। 5000 साल हो गए, थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। बाबा कहते हैं अब आपकी पर्सनालिटी को माना, जब आप अनादिकाल में थे सतयुग में थे तो उस बात को 5000 साल हो गए, तो अभी सभी को स्पष्ट है। अब बाबा जैसे हमको ड्रिल करा रहे हैं, पहले अनादि स्वरूप परम धाम, फिर आदि स्वरूप सतयुग, अब बाबा कहते हैं मध्यकाल में आ जाओ। अभी आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल की भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों की, आपकी जो चित्रों के स्वरूप में पूजा होती है, पूज्य स्वरूपों में पूजा होती है, उसके आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। आपके जड़ चित्रों का जैसा श्रृंगार होता है, अपना चित्र देखा है? बाबा ने पूछा, अपना सबने चित्र देखा है, पूज्य स्वरूप में कितना श्रृंगार होता है, आपकी पूजा होती है कि नहीं? अब लास्ट जन्म में, अब बाबा ने पूज्य स्वरूप बताया, अब बाबा कहते हैं ड्रिल करा रहे हैं, बाबा कहते हैं अब लास्ट जन्म चेक करो। लास्ट जन्म में भी जो मर जीवा ब्राह्मण जन्म है उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी अच्छी है।
गायन भी है। कोई भी श्रेष्ठकार अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। अब बाबा कहते हैं अभी के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे, आज के ब्राह्मण भी सभी प्रकार की चीज़ें खाते हैं, सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन नाम के से तो ब्राह्मण हैं। आपके नाम से आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, तो सारा कल्प में बाबा आज आपकी पर्सनालिटी सदा ही मान रहे। बाबा आप सब बच्चों की पर्सनालिटी को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी रूहानी पर्सनालिटी इन सभी कालों में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रही है। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? बाबा कहते हैं कोई अगर लौकिक में बहुत अच्छी पर्सनालिटी होता है, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, तो उसके नाम पे जैसे बुक्स वगैरह आती हैं तो बुक्स में नाम आता है, इसको अवार्ड मिला वो मिला। तो बाबा कहते हैं फलाने फलाने, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। आप बाबा के बच्चों का नाम शास्त्रों में आता है। आपका गायन शास्त्रों में होता है और शास्त्रों को कितना आदर करते हैं, कितना रिगार्ड देते हैं, बड़ी विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। तो जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्रों को कितने ध्यान से, रामायण हो गई, गीता हो गई, तो कितने अच्छे से शास्त्रों को रखते हैं विधि पूर्वक और उसको पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों की माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को बाबा कहें सदा इमर्ज स्वरूप में रखो। बाबा कहते हैं जितना इमर्ज रखोगे उतना समर्थ रखोगे, और समर्थ आत्मा के पास माया के पांच विकारों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। अब जो समय आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बाबा कहते हैं उसको समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना, सदा माया को जीतने वाले बनना। अगर अंत में भी माया जीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं क्या हाल होगा। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा और मन में सोचेंगे बाद में कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा, और कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मिक स्थिति आएगी ही नहीं, अपने को आत्मा समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। इसका श्रेष्ठ साधन है माया जीत बनने का, अपने को आत्मा समझ, अब समझने की स्मृति को रखो, अपने को रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति में रखो। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता हूँ, दूसरों के प्रति आँख नहीं जाएगी। क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, तो स्वभाव में भी संपन्न है, संस्कार में भी संपन्न है, संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर है। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेंगे। तो जो उसी ऊंची पर्सनालिटी वाले होंगे बाबा कहते हैं ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, इसमें ना फंस कर वो सभी प्राप्तियों से संपन्न होंगे। अब गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई भी ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे, तो बाबा कहते हैं प्योरिटी पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य का पवित्रता की निशानी स्वच्छता और सत्यता।
अगर आपने सारा दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा हो या सूक्ष्म सेवा हो, अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर जरा सा भी अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया नहीं, हमने किसी को दुख तो दिया नहीं, लेकिन व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गए, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। बाबा बहुत सूक्ष्म विधि से पवित्रता की परिभाषा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक नहीं है। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, संकल्प गया, समय गया, संतुष्टता गई, तो आपकी फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला संपन्न नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। मुँह से कोई बात निकल गई, बोलना नहीं था, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन निकल गया, बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं आप। बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे सभी कर्मेंद्रियों के मालिक हो, लेकिन मुँह से निकल गया, बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसीलिए अमृत वेले से लेके रात तक अपने सभी संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सब चेक करो। अमृत वेले से रात तक हमने क्या, हमारे क्या संकल्प रहे, बोल रहे, कर्म रहे, सेवा रहे, सभी चीज़ को चेक करो। मोटे स्वरूप में नहीं चेक करो, बाबा कहते हैं मोटे रूप में नहीं, इसको चेक करो, अच्छी रीति से चेक करो। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं सेकंड में अवेरेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, कि युद्ध करनी पड़ेगी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं सोचते। तो सारा दिन बीच बीच में अभ्यास करो अशरीरी बनने का, सारा दिन बीच बीच में अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। सारा दिन बीच बीच में बाबा कहते हैं अशरीरी को होने का अभ्यास करो। तो बाबा कहें इतना भी नहीं कह सकते कोई, किसी के पास एक सेकंड का समय नहीं है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उनको भी एक सेकंड की ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। समय के प्रमाण जो अपने को अशरीरीपन वाना, अपने को आत्मा समझ, जो बाबा को याद करते हैं, अशरीरीपन का जिसका अनुभव होगा, बीच बीच में जो ये ड्रिल करेंगे, तो बाबा कहते हैं जिसका ये अभ्यास ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया है कि समय समाप्त अचानक से होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। अगर अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही बाबा कहें समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा, इसीलिए अभी अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति का सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, छोटी छोटी बात में जो बाबा कहते हैं मेहनत बच्चे करते हैं, वो सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी पर्सनल प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की बोली से स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब अपने तख्त पर बैठता है तो
तो सभी कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से आपकी सभी कर्मेंद्रियाँ, जब आप अपने को आत्मा समझते हैं, जब आप शरीरी अवस्था होती है तो बाबा कहते हैं तख्त नशीन बनने से जब आत्मा अपने तख्त पर विराजमान होती है तो ये कर्मेंद्रियाँ स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाबा का दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है। जब अपने को आत्मा समझते हैं तो वो निराकार स्वरूप में शिव बाबा ही याद आता है। फिर ना तो किसी की देह याद आती है, ना देह के कोई संबंधी, ना ही कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई एक बाबा ही संसार है। इसीलिए अकाल तख्त नशीन बाबा के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। जो अकाल तख्त नशीन होते हैं, जो अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन उस निराकारी परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, तो भाई बाबा के, बाबा के बच्चे शिव बाबा के दिल तख्त नशीन माना बाबा के दिल पर राज करते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने की, परखने की और ग्रहण करने की शक्ति धारण करना ही माना होली हंस बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अपने सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में स्थित मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म पवित्रता से भरपूर है। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव से आती पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझे आत्मा से इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।